हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। आप देख रहे हैं अनुज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनाएंगे। राजस्थानी गट्टे की सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। मैं खुद एक राजस्थानी हूं, इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1 कप बेसन लिया है। इस 1 कप बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक लिया है। अभी मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें। चौथाई छोटा चम्मच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग डालना बहुत जरूरी है। हींग डालने से इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। मैंने इसमें 1 पिंच खाने का सोडा यूज़ किया है। खाने का सोडा डालना ज़रूरी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ ना करें। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। मैंने नॉर्मल पानी का यूज़ किया है इसमें। किसी तरह से गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली घर का जो पानी हम यूज़ करते हैं वही यूज़ किया है। और इसका एक टाइट आटा गूंद कर हम तैयार करेंगे। ये देखिए, टाइट आटा हमने गूंद कर तैयार कर लिया। अब हम इसको ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा आटा सेट हो जाएगा फूल करके। ये देखिए, आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। 1 चम्मच ऑयल का डालकर इसको अब अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जिससे थोड़ा सा चिकना हो जाएगा ये और हमें गट्टे बनाने में आसानी होगी। देखिए कितना टाइट आटा लगाया है मैंने। अब इसके हम इस तरह से एक लोई तोड़ेंगे और इसको हल्का इस तरह से लंबा करके एक लंबा सा गट्टा बनाएंगे इसका, इस तरह से। ये देखिए, आप मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना मोटा आपको पसंद है। लेकिन राजस्थान में जो गट्टे की सब्जी बनाई जाती है उसमें इतने ही मोटे गट्टे बनाए जाते हैं। बाद में हम इसको कट करके इसको थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, बाकी मोटा इतना ही रहता है गट्टे की सब्जी का आकार। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे गट्टे बना लेंगे। जब तक हमारे गट्टे बन रहे हैं, हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें हम अपने गट्टों को बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमने सारे गट्टे इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके अपने गट्टे इसमें उबलने के लिए डालेंगे। गट्टों को हमें एक एक करके डालना है। गैस को फुल फ्लेम पर रखना है, ताकि जो गट्टे का पानी का जो तापमान है वो बना रहे, नहीं तो जो हमारे गट्टे हैं वो फट सकते हैं। इसलिए हमें गैस को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। तेज आंच पर ही हम इन्हें 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमने सारे गट्टे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको बॉईल करेंगे। जब तक हमारे गट्टे बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम क्या करते हैं, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक के टुकड़े को पीस करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे गट्टों को मैंने 10 से 15 मिनट तक उबाल लिया है। गट्टे फूल करके डबल हो गए हैं साइज में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने मोटे मोटे हो गए हैं, कितने डबल हो गए हैं साइज में। अब इनको बाहर निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। और जो ये पानी बचेगा, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको हम करी के लिए यूज़ करेंगे। इससे हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और सब्जी बहुत गाढ़ी बनेगी। हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, हमने गट्टे सारे बाहर निकाल लिए। इनको अब हम ठंडा करेंगे और जो ये पानी है इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी के लिए यूज़ कर लेंगे। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में मैं 2 बड़े चम्मच, जितना भी आप डालना चाहें, 2, 3, 4, जितना भी आप चाहें, जितना ऑयल आप खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें ऑयल डाल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, हो सके जहाँ तक आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिएगा, जो सरसों का तेल होता है। तेल गर्म हो गया है, अच्छी तरह से धुआं आना चाहिए तेल में, तभी इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डाल रही हूँ। आप फ्रेंड्स, इसमें अजवाइन का ही यूज़ कीजिएगा, जीरे में इस सब्जी को मत बनाइएगा। अजवाइन से ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच मैंने हींग डाली है इसमें। चौथाई छोटा चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/4 टीस्पून। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट डाला था वो इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर इसका जो बनाने की रियल रेसिपी है वो हर किसी को नहीं पता होती है। अब हम इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे।
अभी मैंने इसमें नमक डाला है, नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा फ्रेंड्स क्योंकि हमने गट्टे में भी नमक डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है आधा छोटा चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है एक छोटा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और जब तक कि मसाले में से तेल अलग नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकने देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने कसूरी मेथी डाली है। ये डालना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, वैसे अगर आपके पास ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आप इसको ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको ढक करके जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए मसाले से तेल अलग होने लग गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब हमारा जो पानी बचा था गट्टे को उबालने के बाद जो पानी बचा था वो हम इसमें डालेंगे, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ा कम डालिए पानी, और पतली पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बाद में हमें इसमें दही भी डालना है तो पानी आप उस हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। अब हम इसे ढक करके पानी में उबाल आने तक पकाएंगे, जब तक पानी में अच्छे से उबाल नहीं आने जाता। और जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम अपने गट्टों को काट करके तैयार कर लेते हैं। गट्टों को जो राजस्थान में बनाए जाते हैं उनको इसी तरह से इतनी मोटाई में काटा जाता है, बाकी अगर आपको पतले पसंद हो तो आप पतले भी बना सकते हैं इनको, और आपको मोटे पसंद हो तो आप थोड़े मोटे काट सकते हैं। इस तरह से हम अपने सारे गट्टे काट करके तैयार करेंगे। ये देखिए हमने गट्टे काट करके तैयार कर लिए हैं, हमारी सब्जी पानी में उबाल आ गया है, सब्जी अच्छे से दिखाई दे रही है, काफ़ी मसाला अलग निकल गया है, तेल और मसाला काफ़ी अच्छे से पक गई है ग्रेवी। मैंने यहाँ पर एक कप दही लिया है, इसको मैंने फेट करके लिया है। अब हम इस दही को इसमें मिलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे, हमें इसको कंटिन्यूसली चलाना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है जब तक कि सब्जी में अब उबाल नहीं आ जाता, नहीं तो जो हमारी दही है वो फट जाएगा और जो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज रखना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको उबाल आने तक लगातार हिलाते रहना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए सब्जी में अच्छा सा उबाल आने लग गया है। अब हम अपने गट्टे इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने गट्टे काट कर रखे थे वो गट्टे अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए हमने सारे गट्टे इसमें डाल दिए हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी पकी हुई है, करी पकी हुई है, गट्टे हमारे पके हुए हैं, बस हमें मसालों को और गट्टों को एक साथ मिक्स करना है। इसके लिए अब हम इसे ढक करके हम 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं, धीमी आंच पर पक कर सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको सब्जी पतली लग रही हो तो आप इसको थोड़ी देर और पका लीजिए, और अगर आपको ठीक लग रहा है, बाकी जो गट्टे की सब्जी बनती है वो इसी कंसिस्टेंसी की बनती है राजस्थान में। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सब्जी को बाहर निकालेंगे। मैं सब्जी को सर्व करने के लिए डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, ये कितनी खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ये। आप इसको चावल के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ और दाल बाटी के साथ तो ये स्पेशली सर्व की जाती है राजस्थान में। तो आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम मसालों में बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें और लगातार मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए बिल्कुल फ्री में। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर से मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, बाय।